लीजिए सीरियल भाग्य लक्ष्मी में तो क्लाइमैक्स आ गया। मेरा मतलब है कि ऋषि को पता लग गया कि पारो दरअसल उसी की बेटी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये छुपने छुपाने का खेल यहीं समाप्त होगा तो ऐसा नहीं है। क्या है ना कि पारो ऋषि की बेटी है ये ऋषि को पता है, लेकिन लक्ष्मी को नहीं पता कि ऋषि को पता है कि पारो उसकी बेटी है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बेसिकली इंजॉय द स्टोरी। पारो के खिलाफ कोई भी गलत बात हम बर्दाश्त नहीं करते। हमारी होती है। इस खानदान का खून है वो, इस परिवार का अंश। चौपट चौपट चौपट, मलिष्का का सारा प्लान चौपट हो गया, क्योंकि वो घड़ी आ गई जब सीरियल भाग्य लक्ष्मी में हैप्पी वाले आंसू देखने को मिलेंगे। वाना अभी तक सिर्फ रोना धोना चल रहा था, अब ऋषि को पता चल गया है कि पारो उसकी बेटी है। और ये सच जाने के बाद तो ऋषि के आंखों से खुशी के आंसू ऐसे बह रहे हैं जैसे आंसुओं का अप्रेजल हो गया हो। अभी देखो लक्ष्मी को कोई आइडिया नहीं है कि हमें पता है, उसे नहीं पता कि हमें पता है। ये मुझे कल बोल रहा था कि जब तक मलिष्का खत्म नहीं होती तब तक ये जंग खत्म नहीं होगी। मैंने बोला था, तूने तो कल बोला था। कल ये बोल रहा था, इसे भूल जाता है, बहुत सारी चीजें होती है ना भाई। जैसे तू भूल गया था ट्रैकर ऑन करके। 10 बार जो मेरे थे वो निकले नहीं, इसके निकल आए मेरे थ्रू। अरे वो मनु से वो ऐसा हुआ था, हमारी पोती है। व्हाट? मैं क्यों रोई? मुझे क्यों तोड़ा? ये क्या हो गया आपको? वो सीन इतना इमोशनल हो गया, मतलब बहुत। अनुष्का का क्या काम है पता है? ये अनुष्का, ये फैमिली सीन है। चिलिंग। अरे मैं तो सो लेती हूँ आँख खोल के। अरे यदि मामी जी, मामी जी आपको क्या हो गया है? अभी तो कल आप इसी नहीं थी ना मामी जी। बात दरअसल ये है कि ना सिर्फ ऋषि बल्कि लक्ष्मी भी बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि वो जेल से छूट गई है और उसे छुड़ाने में किसी और का नहीं बल्कि लक्ष्मी की एक्स सास का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने बयान दिया है कि इसमें लक्ष्मी का कोई हाथ नहीं। इसलिए तो लक्ष्मी बहुत बहुत ज्यादा खुश है। लेकिन अगर किसी को ये बात हजम नहीं हो रही तो वो बस मलिष्का है। पारो के बारे में आज के बाद कोई कुछ नहीं कहेगा। पारो के खिलाफ कोई भी गलत बात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी पोती है। पारो हमारी पोती है। बहुत मजा आया हमें सीन करके। आज मुझे फाइनली कंफर्मेशन मिल गई है कि पारो मेरी बेटी है, तो उस न्यूज को सुन के मैं खुशी और इमोशनल जो होता है, नहीं समा रहा है। हाँ, वो बहुत मिक्स हो गया मेरे अंदर और मुझे नहीं पता चल रहा था कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, बस फील करता गया। ऐसे सीन्स बहुत स्पेशल होते हैं जब आप अंदर से अचानक से फील करने लग जाते हो। यू नो लाइन्स तो खत्म भी हो गई थी, जस्ट द फील ऑफ द सीन, वो बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे सीन्स होते हैं। और वो दिख रहा था, ये फील कर रहा क्योंकि इसको देख के मेरे को भी रोना आ रहा था। एंड होपफुली लक्ष्मी विद शालू, आई डोंट नो, बट लक्ष्मी भी अब ओवर आई हाउस आएगी ऐसा लगता है। अब ऋषि को ये बात तो पता चल गई है कि पारो उसकी बेटी है, लेकिन लक्ष्मी ये नहीं जानती कि ऋषि को ये बात पता चल चुकी है। और यहीं से शुरू होगा मलिष्का का नया खेल, जहां वो फिर से दोनों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश करेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।